Hello friends, how are you all? I am CS Anna Brazzi and with me you will be learning bank reconciliation statement today. So, first of all, bank reconciliation statement. This is a very important chapter from CA Foundation point of view. क्योंकि हर बार CA exam में 10 mark का question आता है. Even bank reconciliation statement is a very practical subject also, a very practical chapter. So, रियल लाइफ में भी आपको काफी काम आता है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही है. इट इज अ वेरी इजी एंड अ स्कोरिंग चैप्टर. यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज विच यू विल अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट और द सेकंड वीडियो इटसेल्फ एंड देन बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर इज जस्ट अ पीस ऑफ केक. द ओनली एडवाइस हियर इज जस्ट फॉलो एज आई से एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू लेटर ऑन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दैट वॉट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, first of all, bank reconciliation statement means you need to understand that bank reconciliation statement is also known as BRS, that BRS does not form part of books of accounts. It is not a part of books of accounts. Basically, that journal, ledger, trial balance, final accounts, this never comes in between of any of those. But we'll understand then why is it important, why do we have to understand this chapter. And I told it is required practically also in real life, you need this every now and then. So let us understand why. So first, it does not form part of books of accounts, it is just a statement. Now, a statement of what? So there also the name suggests it is a reconciliation statement. रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? टू रिकनसाइल, टू मैच. किसी चीज को रिकनसाइल करना है या मैच करना है. रिकनसाइल होता है क्या है कि कोई दो चीजों में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस क्यों है वो जानना, मतलब रिकनसिलिएशन होता है. सो हियर वी हैव टू रिकनसाइल समथिंग. नाउ व्हाट डू वी हैव टू रिकनसाइल, क्या रिकनसाइल करना है हमें? देयर इज समथिंग रिलेटेड टू बैंक जो हमें रिकनसाइल करना है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड that what do we reconcile and why is there a need to reconcile. जब हम books of accounts properly बना रहे हैं, हम debit और credit के rules follow कर रहे हैं, journal, ledger, trial balance हमारा tally हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये reconciliation की जरूरत क्यों पड़ी? The main reason ये reconciliation की जरूरत क्यों पड़ी is because आपने अपने books में एक bank account आप बनाते हो, right? आप double entry system करते थे. आपको जब किसी कस्टमर से बैंक से पैसा आता है, चेक मिलता है, आप चेक को डिपॉजिट करते हो तो आप बैंक अकाउंट डेबिट करते हो. सिमिलरली आप चेक इश्यू करते हो तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हो, राइट? तो आप अपने बुक्स में बैंक अकाउंट बनाते हैं. अच्छा, अब बात करते हैं अपने बुक्स, मतलब हम बिजनेस की बुक्स की अभी बात कर रहे हैं. हम अपने आप को हमेशा बिजनेस ही ट्रीट करेंगे अकाउंट्स करने के टाइम पे, सो दैट इज इजियर. सी, इन रियल लाइफ प्रैक्टिकली आप अकाउंट्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई कीजिए, दैट्स द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड अकाउंट्स. बट फ्रॉम अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू वी ऑलवेज द क्वेश्चंस कम और वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हाट एवर द क्वेश्चन इज, व्हाट एवर द नेम ऑफ बिजनेस इज, यू कंसिडर योर सेल्फ एज दैट बिजनेस, तो देन इट विल बिकम इजियर फॉर यू. ओके, सो लेट अस सी कि हमारे बुक्स में हम बैंक अकाउंट कैसे बनाते थे. सो हम सबने सब्सिडरी बुक पढ़ा है. सब्सिडरी बुक के अंदर कैश बुक आता है. नाउ कैश बुक कौन से तरह के होते हैं? तो देयर इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश अकाउंट बनता था. देन देयर इज अ डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक में आप लोगों ने 11th 12th में आप लोगों ने कैश और बैंक अकाउंट्स बनाए होंगे. टेक्निकली बच्चों, सीए फाउंडेशन के एंगल से डबल कॉलम कैश बुक में एक्चुअली कैश एंड डिस्काउंट के कॉलम आते हैं. टेक्निकली अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड डिस्काउंट आता है. तो फिर मैम कैश एंड बैंक कहाँ आता है? कैश बुक में एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी बनती है. इस ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट. ओके, सो फर्स्ट थिंग तो हमें पता चल गई कि हमारा बैंक अकाउंट, लाइक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है कैश बुक में. कैश बुक के कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में. बैंक की डिटेल्स मेंटेन होती है. ओके, नाउ ये मेरी बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट हो गया. बट आप जिस भी बैंक अकाउंट, जिस भी बैंक में जाके अकाउंट ओपन करते हो, क्या वो बैंक आपको उनका स्टेटमेंट देती है? यस, देती है, इन द फॉर्म ऑफ पासबुक
or in the form of bank statement. Generally, in case of businesses, since their transactions are huge, you get a bank statement. And for us, for individuals, हम सेविंग बैंक में हमको जनरली पासबुक मिलती है. सो इसका मतलब क्या हुआ? आप जो अपनी बुक्स में बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, सिमिलरली आपकी बैंक उसके बुक्स में, बैंक की बुक्स में भी आपका अकाउंट मेंटेन करती है, राइट? अब आपकी बुक्स में भी वही बैंक अकाउंट, आपने सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने, हमारा एसबीआई में अकाउंट है, तो हम हमारी बुक्स में एसबीआई का बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसमें हम एंट्री करते हैं. सिमिलरली आप एसबीआई की बुक्स में देखेंगे तो एसबीआई की बुक्स में आपका अकाउंट बना होगा. सपोज आई टेक माई नेम ओनली, जैनब अकाउंट, जैनब एंटरप्राइज, मेरा एक शॉप है जिसका नाम है जैनब एंटरप्राइज, तो वहां पे भी जैनब एंटरप्राइज का अकाउंट होगा. अच्छा, ये क्या है? ये एसबीआई अकाउंट इज माय बैंक अकाउंट विच इज शोन इन द कैश बुक. सो टेक्निकली डोंट यू फील दैट द बैलेंस विच इज देयर इन माय कैश बुक, मेरे कैश बुक में जो बैलेंस है वो ही मेरे बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट के हिसाब से जब मैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट से चेक करूं, एज ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी एक दिन पर मेरे अकाउंट में जो बैलेंस है और बैंक के अकाउंट में जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए. आना चाहिए या नहीं? डेफिनेटली आना चाहिए. बट वॉट हैपन्स इन रियल लाइफ दैट दिस बैलेंस एज पर माई बुक्स एंड द बैंक बुक्स डू नॉट टैली. नाउ वाई डज नॉट इट टैली, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर कॉल्ड बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. एंड इट डज नॉट टैली डज नॉट ऑलवेज मीन कि कोई गलती हुई है. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये बैलेंस दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो कोई एरर है. नहीं, एरर हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आई कैन से ट्रांजैक्शंस, और देयर आर मेनी अदर रीजंस व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन दोज बैलेंसेस. उसे हमको रिकंसाइल करना पड़ता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में. वील अंडरस्टैंड, पहले हम इसको ही और डिटेल में समझते हैं. देखो मेरी बात ध्यान से सुनिए. अभी सपोज मैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे हूं. सिंस हमने बात की कि बैंक अकाउंट हम हमारा ट्रिपल कॉलम कैशबुक पे मेंटेन करते हैं, सो ट्रिपल कॉलम कैशबुक का एक, आई जस्ट मेक अ, सी वी यूज टू प्रिपेयर ट्रिपल कॉलम कैशबुक समथिंग लाइक दिस. देर आर थ्री कॉलम्स ऑन द डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, एंड अगेन देर आर थ्री कॉलम्स, एंड देन देर इज एल एफ ऑल्सो. बेटा एल एफ को अभी, चलो आई हैव मेड एल एफ ऑल्सो. And then there are three columns on this credit side. Okay. So the three columns is, generally we used to write cash before, but let me write bank, cash and discount allowed on the debit side. And then there is bank, cash and discount received on the credit side. Okay. Now, you know that whenever we do entry here, cash book, we know that whatever amount comes in either by cash or by bank, we debit it. Our bank account is our asset. Whenever money is coming in the business, our asset increases. That is why debit. Or cash account, maybe we use karte real account, debit what comes in. So whenever cash comes in cash account or bank account, we debit the bank account. So basically, debit side mein kya aata hai? Receipts. And hamare credit side mein kya aata hai? Payments. This is also LF. Now, since we are doing the chapter of DRS, I will be using the word cashbook very often. But what you guys have to understand, jab main cashbook bolungi to aapke mind mein kya aana chahiye? Cashbook is nothing but my bank account in my books. Business ki books mein business ka bank account likh dete hai ye bhi. Saath mein notes banayenge aap log sab. So, cashbook, jab hum DRS ki chapter ki baat karenge, to cashbook is nothing but business ki books mein, बेसिकली बिजनेस की बुक्स, मतलब हमारी बुक्स में हमारा बैंक अकाउंट, मेरे हिसाब से बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सब ट्रांजैक्शंस बराबर रिकॉर्ड कर रही हूं, कितना अमाउंट होना चाहिए वो पता चलता है. सो एक बात हमें और समझ में आ गई कि हम सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम की बात करेंगे इस चैप्टर में. दैट्स वाई आई डोंट नीड दिस कैश एंड डिस्काउंट अलाउड फॉर दिस चैप्टर, आई कैन कट इट. ओके, ना सिमिलरली ये हमारी बुक्स हो गई. सिमिलरली इफ यू गो टू बैंक, देन बैंक भी आपका अकाउंट बना के रखता है. तो ये हमारी बुक में एसबीआई का अकाउंट था, और अब मैं अगर इन द बुक्स ऑफ एसबीआई,
इन द बुक्स ऑफ एसबीआई की बात करूं तो उन्होंने भी ज़ैनब अकाउंट बना के रखा है, जिसके अंदर वो देखिए आपका पासबुक या बैंक स्टेटमेंट कुछ ऐसे आता है आपको, अभी मैं आपको एग्जैक्ट जैसे आता है वो बता रही हूँ, नीचे फिर हम समझने के लिए नॉर्मल टी फॉर्म में भी करेंगे। सो डिटेल्स कुछ इस तरह मेंशन होती है, पर्टिकुलर्स वो लोग डिपॉजिट्स एक तरफ लिखते हैं, व्हेनेवर मनी इज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट, विड्रॉल्स एंड यू गेट द बैलेंस राइट, एंड देन दिस बैलेंस विच इज कमिंग एज पर पासबुक एंड द बैलेंस विच इज शोन, जनरली इट इज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट का टोटल ज्यादा होता है तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आता है, दिस बैलेंस शुड टैली, ऐसा होना चाहिए, बट आई एम सेइंग दैट मेनी अ टाइम्स दिस डज नॉट टैली एंड हेंस अ रिकंसिलिएशन इज बीआरएस इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द डिफरेंसेस। पहले हम एक और चीज जो मेन है जो समझना जरूरी होगा वो समझते हैं, तो नाउ सी पे अटेंशन, ओके सो दिस इज माई कैश बुक, नाउ आई जस्ट कम ऑन टू बैंक कॉलम, आई जस्ट मेक अ नॉर्मल लेजर अकाउंट, सो दिस इज माई कैश बुक बैंक कॉलम, ओके एंड दिस इज माई पासबुक एज पर माई पासबुक, ओके माई अकाउंट एज पर माई बैंक अकाउंट एज पर द बैंक। सी इन योर बुक्स वेन एवर मनी कम्स इन द बिजनेस यू डेबिट इट, आप जब अमाउंट आता है आप डेबिट करते हो, सो सपोज अमाउंट रिसीव फ्रॉम रवि, सो यू सॉरी नॉट अमाउंट आई शुड से चेक रिसीव फ्रॉम रवि डिपॉजिटेड इमीडिएटली, सो इफ अ चेक इज रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इन अ बैंक व्हाट एंट्री डू वी डू, हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, या मैं बैंक कॉलम की बात कर रही हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, अमाउंट इज सपोज 1 लाख, और हम अगर पासबुक की बात करें तो पासबुक को अगर मैं टी फॉर्म में बना के जाती हूं, अगर आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं पासबुक आपकी अकाउंट को क्रेडिट करता है, मतलब एसबीआई की बुक्स में आपका अकाउंट क्रेडिट होता है जब आप अपने अकाउंट को डेबिट करते हो, इसके ऊपर हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, सो दे विल राइट देयर सीसी योर डेबिट साइड इज रिसीव्ड और डिपॉजिट्स, आई शुड राइट द वर्ड डिपॉजिट सो दैट इट्स इजी, एंड इन योर बैंक योर क्रेडिट साइड इज विड्रॉल इन योर बुक्स, वेर एज इफ यू टॉक अबाउट बैंक बुक्स डेबिट इज विड्रॉल, इट्स ऑपोजिट बेसिकली, एंड क्रेडिट इज डिपॉजिट, ओके क्रेडिट इज डिपॉजिट एंड डेबिट इज विड्रॉल, वाई आई कम ऑन टू दैट पॉइंट, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, सो बाय रवि 1 लाख, देन एंड सपोज चेक इश्यूड टू मोहन, सो चेक इश्यूड टू मोहन, व्हाट एंट्री यू डू, मोहन अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मोहन इज अ रिसीवर डेबिट एंड बैंक इज गोइंग आउट, मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बैंक, सो आप मोहन को क्रेडिट करते हो इन योर बुक्स, से सपोज द अमाउंट इज 50,000 एंड पासबुक में डेबिट होना चाहिए क्योंकि विड्रॉ हुआ है, टू मोहन होना चाहिए 50,000, नाउ टेक्निकली आफ्टर दिस योर बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन शुड बी 50,000 एंड सिमिलरली योर द बैलेंस शुड बी 50,000, बट इट्स नॉट दैट सिंपल एंड ऑलवेज दिस बैलेंस, राइट नाउ आई हैव डन अ क्वेश्चन वेयर द बैलेंस इज टैलिंग बट दिस डज नॉट टैली एंड हेंस वी प्रिपेयर अ बीआरएस, नाउ सो व्हाट डिड वी से हियर, वेट, सो फर्स्ट वी अंडरस्टूड वन थिंग दैट नाउ यू हैव टू डू दिस राइट नाउ वंस द वीडियो इज ओवर, आप लोग अपने मम्मी पापा या आपकी खुद की भी आई बिलीव सेविंग बैंक अकाउंट होगा, आप उसमें जाके अपना बैलेंस देखिए, आप उसमें बैलेंस देखेंगे तो आप क्लियरली देखेंगे सेविंग बैंक अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस दिख रहा होगा, आप बैलेंस के बाजू में देखना जो भी अमाउंट है, सो वट एवर 60,000 सी आर क्रेडिट लिखा होगा, अब हम तो यार अकाउंट्स के बच्चे, हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं, हमें तो पता है कि हमारे एसेट्स डेबिट होते हैं, हमारी लायबिलिटीज क्रेडिट होती है, तो हमारा बैंक अकाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है या एसेट, हमारा बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट है, आप हमारी बुक्स देखेंगे बिजनेस की बुक्स देखोगे तो देखिए
डेबिट का टोटल वॉज मोर 1 लाख. यू जस्ट हैव रिटन ऑन द क्रेडिट साइड टू बैलेंस इट. बट वॉट इज दिस 50,000? दिस 50,000 इज डेबिट बैलेंस, करेक्ट? बैंक अकाउंट में आपका पैसा होना इज योर एसेट, आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस है. लेकिन बैंक के एंगल से देखो, आपका पैसा बैंक के पास पड़ा हुआ है तो उनके लिए तो वो लाइबिलिटी है. क्यों आपको पासबुक में क्रेडिट बैलेंस दिखता है और क्रेडिट बैलेंस देख के आप खुश भी होते हो? द रीजन इज वो बैंक की बुक्स है. अच्छा, कभी भी आप जाके पासबुक में खुद से एंट्री कर सकते हो क्या? कभी ऐसा होता है कि आपको आपने पासबुक में अपने मम्मी पापा से पूछना मैं खुद कुछ लिख सकता हूँ? नहीं. खाली कुछ लोग क्या लिखते हैं कि ट्रांजेक्शन दिए होते हैं पासबुक में, प्रिंट करवा के हम लाते हैं पासबुक. ओनली यू नो यू राइट द डिटेल्स सो दैट यू डोंट फॉरगेट कि अरे ये पैसा कहाँ यूज हुआ, ये चेक किसको दिया था, किस रीजन से दिया था. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप करते हो बट कोई अमाउंट की एंट्री आप नहीं करते. क्यों? ये जो पासबुक है या बैंक स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैंक की बुक्स है, आपकी बुक्स नहीं है. बैंक की बुक्स हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते. लेकिन उनके बुक्स में जो आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपका अकाउंट है ज़ैनब अकाउंट, सिंस यू हैव मनी इन योर बैंक अकाउंट, आपका पैसा उनके पास पड़ा हुआ है, तो फॉर देम इट इज अ लायबिलिटी. इसलिए आपके बुक्स में जब कैश बुक डेबिट होता है तो पासबुक में बैलेंस क्रेडिट होता है, बिकॉज फॉर देम इट्स अ लायबिलिटी. होप आई एम क्लियर योर. इसे भी नोट डाउन करेंगे. सो व्हाट डिड वी लर्न? दैट कैश बुक व्हेन इट हैज अ डेबिट बैलेंस देन पासबुक विल जनरली हैव अ क्रेडिट बैलेंस. It should have a credit balance and both are what? Both are favorable. आपके बैंक अकाउंट में डेबिट बैलेंस होना अच्छी बात है. सिमिलरली आप देखेंगे पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होना अच्छी बात है. वो ये दर्शाता है कि हाँ मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा है. सो दिस इज अ गुड थिंग. ओके नाउ, सो मैम आपने बोला कि कैशबुक when it has a debit balance, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, मतलब कभी होता नहीं है क्या? सी हम लोग का इंडिविजुअल ना सेविंग अकाउंट होता है, सो वी हैव अ पासबुक जिसमें हमेशा हमको क्रेडिट बैलेंस ही दिखेगा. बट आप बिजनेस के एंगल से बात करो तो चलो एक और एक चीज समझते हैं. देर आर टू टाइप्स, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट टू. व्हेन यू गो टू बैंक टू ओपन एन अकाउंट, इधर अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका सेविंग अकाउंट ओपन होगा, एंड इफ यू आर अ बिजनेस तो सेविंग अकाउंट इज फॉर इंडिविजुअल. नाउ इन दिस एवरी बैंक डिपेंडिंग ऑन द देयर नॉर्म्स एंड द डिपेंडिंग ऑन द बैंक दे गिव यू सम लिमिट दैट आपके सेविंग अकाउंट का मिनिमम आपका बैलेंस 1,000 होना चाहिए, मिनिमम बैलेंस 5,000 होना चाहिए, वॉट एवर. दैट मीन्स आपका सेविंग अकाउंट में हमेशा पैसा होना चाहिए. या मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम कैन बी जीरो. वॉट आई वॉन्ट टू से इज आपके सेविंग बैंक में या तो पैसा होगा या नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव में नहीं जाएगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे पास सेविंग अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज है और मैंने बैंक को बोला मुझे 12,000 दे दो, मुझे अर्जेंट जरूरत है, और बैंक ने दे दिया. Never it is possible in case of saving account. So saving account always will have a credit balance. But for businesses, we have to open current account in banks. Now, current accounts have these facility of overdraft. So generally, if this facility is not being used, then current account में भी वही है कि जितना पैसा आपके पास है आप उतना use करेंगे. But बैंक्स करंट अकाउंट वाले को, बिजनेस वालों को एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है जहां पे मेंशन किया जाता है, एक लिमिट दी जाती है कि सपोज टू दिस फलाना फलाना बिजनेसमैन एक्स वाई जेड लिमिटेड वी गिव एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जिसे ओडी भी बुलाता है, बैंक ओडी. याद आया आप लोग अपने 11th 12th में फाइनल अकाउंट में बैंक ओडी को अच्छे से लाइबिलिटी में लिखते थे, जबकि कैश एट बैंक या सिर्फ बैंक अकाउंट रहता था तो उसे एसेट में लिखते थे. क्यों? बैंक ओडी, ओडी मतलब ओवरड्रॉ, ओवरड्राफ्ट मतलब ओवर विड्रॉ. जितना आपके पास अकाउंट में पैसा है उससे ज्यादा आपने विड्रॉ कर दिया, उसे ओवरड्रॉ बोलते हैं. तो क्या ये अलाउड है? यस, इन केस ऑफ करंट अकाउंट्स ओनली. इफ द बैंक हैज गिवन एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देन इट इज अलाउड दैट यू विड्रॉ मोर. मतलब ये सेम सिचुएशन अगर यहां करंट अकाउंट में होती तो देन डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स विद द बैंक आपको वो अलाउ कर देते हैं कि आपके पास 10,000 रुपीज है लेकिन आप 12,000 विड्रॉ कर लो. मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या होता है कि अभी सपोज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ करंट अकाउंट. अच्छा, एवरी बिजनेस अकाउंट हैज डिफरेंट ओडी लिमिट्स, दैट इज देयर टर्म्स विद द बैंक, सो वी आर नॉट गोइंग इन दोज डिटेल्स. ओके, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट सपोज
ये एक्स वाई जेड लिमिटेड को ओवरड्राफ्ट लिमिट दी गई है 30,000 की, उन्होंने उनकी बैंक ने उन्हें दिया है। नाउ एक्स वाई जेड लिमिटेड के अभी फिलहाल बैलेंस में बैंक में सपोज 50,000 रुपीज है एंड इट नीड्स टू पे अर्जेंटली रुपीज 65,000 टू वन ऑफ इट्स सप्लायर्स। सिंस एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 30,000, व्हाट विल इट डू? ये 65,000 का चेक दे देगी अपने सप्लायर को, चेक दे देगी और उसके बाद बैंक 50,000 तो उसके अकाउंट से लेगा, बाकी रिमेनिंग 15,000 वो खुद से इस चेक के अगेंस्ट पे कर देगा। यस, नो डाउट लेटर ऑन बैंक हमसे फिर वो पैसा वसूल लेता है, बट फिलहाल क्या हुआ, ये फैसिलिटी होने की वजह से एक अच्छी बात होगी कि हमारा चेक सबसे पहले तो बाउंस नहीं हुआ, हमें ये ऑर्डर फैसिलिटी थी तो हम अपने सप्लायर को पे कर चुके, लेटर ऑन वी पे टू द बैंक। बट ये सब चीज समझाने का मेन मतलब ये था कि करंट अकाउंट की जब मैं बात करती हूँ तो करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस तो हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस इज गुड फेवरेबल कि हाँ पैसा है अकाउंट में, बट करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब समझो करंट अकाउंट कौन बना रहा है, ये करंट अकाउंट बना रही है बैंक, ये बैंक की बुक्स है, बैंक की बुक्स में क्रेडिट होना मतलब लायबिलिटी, ही दे हैव टू पे मनी टू अस, एंड बैंक की बुक्स में डेबिट होना मतलब एसेट। सो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, दे हैव टू टेक मनी फॉर अस, इन दैट केस उनकी बुक्स में डेबिट बैलेंस दिखेगा और हमारी बुक्स में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा, तो ये जो हमने ऊपर लिखा था। सो देर कैन बी अ केस वेयर कैश बुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओवरड्राफ्ट एंड अनफेवरेबल बैलेंस, वेयर एज इन दिस केस पासबुक विल हैव अ डेबिट बैलेंस। Whenever you see passbook is having a debit balance or you see that cashbook is having a credit balance, you need to understand that this is overdraft and it is a unfavorable balance. Okay? Debits and credits you need to understand. हमने अभी तक क्या सीखा, क्विक रिकैप करते हैं। तो हमने पहले तो ये सीखा कि BRS is just a statement, account का form part नहीं है, double entry system, as such debit credit कुछ भी आप आगे देखेंगे, आज मैंने debit credit की बात की but आगे हम debit credit सोचेंगे ही नहीं, ये तो खाली आपको कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली समझाने के लिए कि क्या चल रहा है, क्यों मेरे अकाउंट के हिसाब से तो एसेट है लेकिन हमारे पापा मम्मी या मैं खुश हो जाती हूँ जब मेरा पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि जो मेरा एसेट है वो पासबुक बैंक की बुक है। आपको बस इतना समझना है, बैंक की बुक है, बैंक की बुक के हिसाब से क्रेडिट मतलब बैंक बोल रहा है कि हाँ ये पैसा, बैंक बोल रहा है ये पैसा मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे लिए मतलब बैंक के लिए, क्योंकि जब भी ज़ैनब पैसा मांगने आएगी मुझे देना पड़ेगा। ओके, so this we've learned up till now and also we understood that why BRS is required, because ये जो हम कैश बुक और पासबुक के balances की बात कर रहे हैं, ये balances कभी कभी टैली नहीं होते, इनफैक्ट आई वुड से ऑलमोस्ट एवरी टाइम ये टैली नहीं होते। सो आपको अब ये समझना पड़ेगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट BRS इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिक्युलर डेट, किसी एक डेट पे, आप इट कैन बी एनी डेट, आपको एवरी 15 डेज चेक करना है आप करिए, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर, वॉट एवर, बट BRS इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिक्युलर डेट टू रिकनसाइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द डिफरेंसेस। ओके, सो आई लिस्ट अ फ्यू राइट नाउ और एक एक को समझते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रीजंस फॉर द डिफरेंस, ये मेन पार्ट है, और ये रीजंस अगर आपको समझ गए देन BRS इज जस्ट अ केक वॉक। अभी तक हमने बस थियोरेटिकली वो चैप्टर को समझने की कोशिश की, अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली जा रहे हैं। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर द डिफरेंस, फर्स्ट इज चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, एक एक को अच्छे से समझेंगे, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर। सी वेन एवर यू रिसीव अ चेक फ्रॉम समवन, सपोज यू रिसीव अ चेक फ्रॉम, हमने ऊपर ही अमाउंट लिया था मोहन, सो यू रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन, सो यू डू द एंट्री एज मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, यू रिसीव अ चेक फ्रॉम मोहन एंड यू आर इमीडिएटली डिपॉजिटिंग इन टू द बैंक। अभी मैं एकदम उसके अंदर नहीं जा रही हूँ, नॉट गोइंग टू द जर्नल एंट्री फ्लो, आई एम जस्ट सेइंग आपको चेक मिला और आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री आप कहाँ कर रहे हो, कैश बुक में या पासबुक में?
ऑब्वियसली आप कैशबुक में कर रहे हो क्योंकि पासबुक में तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते हैं, राइट। हाँ, बट मेरे बुक्स में एंट्री मुझे करनी पड़ी कि बैंक में पैसा आएगा सपोज 10,000 एंड मोहन अकाउंट क्रेडिट 10,000, मोहन से ये पैसा मिल गया, मोहन इज द गिवर, हमने ये एंट्री कर दी। नाउ व्हाट हैपेंस प्रैक्टिकली, सो आज ये एंट्री हुई, सपोज टुडे वाज 27th of March, जस्ट एन एग्जांपल, सपोज टुडे वाज 27th of March जब मुझे ये चेक मिला। नाउ टुडे इन द इवनिंग वंस आई क्लोज्ड माय शॉप एंड एवरीथिंग, मैंने बैंक के बाहर जो चेक ड्रॉप बॉक्स होता है वहां पे चेक जाके डिपॉजिट कर दिया, मतलब चेक जाके मैंने ड्रॉप कर दिया बैंक अकाउंट में। सो तो मेरी एंट्री तो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन, मैंने चेक ड्रॉप कर दिया है बैंक में, ओके। अब 27 मार्च के बाद सी, सो आज का दिन तो हो गया, 28th March सपोज वाज अ सैटरडे, 30th March सपोज वाज अ संडे, सो ये 2 days बैंक हॉलीडे थी, ओके। 31st March को बैंक खुली, 31st March को जब बैंक ओपन हुआ, एज इट इज द लास्ट डे ऑफ द ईयर, सो बैंक इज बिजी, ये वो, ठीक है, उन्होंने चेक्स कलेक्ट तो किए, बट आपको क्या लगता है चेक बैंक के पास मिलते ही तुरंत हमारा अकाउंट में पैसा आ जाता है? नो बेटा, दीज ट्रांजेक्शन्स डू टेक टाइम, प्रोसेसिंग टाइम होता है। क्यों? क्योंकि सपोज आपका अकाउंट है आईसीआईसीआई में, नहीं हमारा अकाउंट था एसबीआई अकाउंट में, चलो हमारा एसबीआई बैंक है तो हमने तो चेक ड्रा किया एसबीआई के अकाउंट में ड्रॉप कर दिया है, ये मोहन ने जो चेक हमको दिया वो आईसीआईसीआई अकाउंट से दिया था। वॉट रियली हैपन्स इज एसबीआई वाले आईसीआईसीआई को कॉन्टेक्ट करते हैं कि हमें ये चेक मिला है फ्रॉम और मोहन के अकाउंट से इतने 10,000 वी शुड रिसीव, फिर आईसीआईसीआई मोहन के अकाउंट में जाती है, वहां से 10,000 निकालती है, फिर एसबीआई को देती है, एसबीआई फिर हमारे अकाउंट में देता है, ये सब प्रोसेस करने में 1-3 days लग जाते हैं। सो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य ये है दैट whenever a check is deposited, immediately you never receive money. हाँ, you can immediately receive money when it is an NEFT, जो RTGS, real time gross settlement वगैरह की बात करें, अब से electronically GPay वगैरह आ गया है तो उसमें चले तुरंत पैसा मिल जाता है, बट आपको कोई चेक मिला आपने आज डाला और आज ही अकाउंट में पैसे आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो बात क्या हुई कि ये पैसा फाइनली मुझे 2nd April को मेरे बैंक अकाउंट में शो हुआ, मतलब अब जाके पासबुक में शो हुआ। मैंने 27 मार्च को मेरे कैशबुक में एंट्री कर दी थी। वॉज आई रॉन्ग इन डूइंग द एंट्री? नो, आई वॉज 100% करेक्ट इन डूइंग द एंट्री। वाई? आई रिसीव द चेक, सो बैंक डेबिट होना चाहिए, और ये मोहन की लायबिलिटी खत्म करनी जरूरी थी ना, कि हाँ मोहन ने पैसा दे दिया है, ये एसेट खत्म करना जरूरी था, इट वॉज इम्पोर्टेंट टू शो, सो मोहन क्रेडिट करना भी जरूरी था, सो हियर आई एम डूइंग द एंट्री, दैट इज करेक्ट। बट कैन आई ब्लेम द बैंक पीपल दैट यू आर डूइंग द एंट्री आफ्टर सच अ लॉन्ग डेज, आफ्टर सो मेनी डेज? नो, बैंक इज ऑल्सो करेक्ट। सी, बैंक किस वे पे चलता है कि बैंक में जब पैसा आएगा तुम डॉक्यूमेंट वाइज कुछ भी ट्रांजैक्शन करो, बैंक में जब पैसा आएगा तब बैंक एंट्री करेगी। सो बैंक में पैसा आया 2nd April को, सो आप इतने दिन अगर देखेंगे बीच में, आपको नहीं लगता कि इसके बीच में अगर 31st March को, क्योंकि मेरा भी फाइनेंशियल ईयर एंड है, मैं बुक्स क्लोज कर रही होंगी और मैंने मेरा पासबुक उस दिन अगर प्रिंट करवा के लाती हूं, तो व्हाट डू आई सी? दैट माय कैशबुक इज शोइंग अ मोर बैलेंस, क्योंकि मुझे 10,000 एक्स्ट्रा दिख रहा है जो मेरे पासबुक में शो नहीं हो रहा। दिस इज वन ऑफ अ टाइमिंग डिफरेंस, इसे बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंस। योर व्हाट इज हैपनिंग, नो वन इज एट एन एरर, किसी ने भी मिस्टेक नहीं की, दे आर डूइंग इट करेक्टली, बट यस बिकॉज ऑफ द ट्रांजैक्शन टाइम हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमारी कुछ एंट्रियां। सी, ये एंट्री रीजंस फॉर डिफरेंस की जो मैं बात कर रही हूँ ना, वट आर द रीजन्स की कैशबुक या पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता? देर आर सम एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन कैशबुक बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, देर आर ऑल्सो सम एंट्रीज विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। इसमें से एक मैंने अभी डिस्कस किया। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द रीजन्स कि क्यों ऐसे, ये जो रीजन हमने बात किए, कुछ कैशबुक में रिकॉर्ड होते हैं पासबुक में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, कुछ पासबुक में रिकॉर्ड होते हैं कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ इज कुछ एरर्स या तो कैशबुक में हो सकते हैं या तो पासबुक में। यस, एरर्स इज पॉसिबल बेटा, बट मेन रीजंस ऊपर वाले होते हैं, सो देर कैन बी सम एरर्स इन कैशबुक एंड सम एरर्स इन पासबुक। बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस वी रियलाइज दैट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जैसे मैंने यहां आपको समझाया, एज ऑन 31st March शायद मेरा कैशबुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता है तो मुझे BRS बनाना पड़ता है। उसका भी एक रीजन आपको बताती हूँ क्यों। This BRS is also prepared so that you cannot do a fraud. Nahi to what happens, 31st March ko, see, especially year end, why I have taken 31st March so that it's very clear in our head,
ईयर एंड के टाइम पे ना सभी चाहेंगे कि मैं मेरा यू नो अकाउंट्स और मेरी पोजीशन इन्फ्लेट करके बताऊं, मतलब अच्छी करके बताऊं। मेरे बैंक में भले ही 500 रुपए है, मैं मेरे बैलेंस शीट में नहीं बता सकती कि मेरा कैश एट बैंक सिर्फ 500 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से एक चेक ले लिया इसे, ठीक है, या किसी से पैसा लेना था तो खाली एक एंट्री रॉन्ग एंट्री कर दी कि उससे पैसा मिल गया है। तो आज मैंने जब बैंक अकाउंट में डेबिट कर दिया, सी मेरे बैलेंस शीट में तो मेरी बिजनेस की बुक्स अकाउंट्स में जो बैलेंस है वही मेरे बैलेंस शीट में दिखता है। आप पासबुक का बैलेंस, आपके पासबुक में जो 31 मार्च का बैलेंस है वो आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखता है। आपकी बैलेंस शीट में आपके बुक्स के हिसाब से बैंक अकाउंट में जितना पैसा है वो बैलेंस शीट में दिखता है। ओके, सो मैं क्या कर सकती थी, एक अच्छी खासी बड़ी एंट्री कर दी 31 मार्च के पहले और बाद में जाके रिवर्स कर दिया। बट हम जब अंदर जाके देखेंगे तो कोई चेक मिला ही नहीं था। मैंने एक एंट्री की पोजीशन इन्फ्लेट करने के लिए और मैंने एक एंट्री की पोजीशन डिफ्लेट करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए बीआरएस बनाया जाता है। सो दैट अब बीआरएस बनाने के टाइम पे आप देखेंगे कि अच्छा ये एंट्री आपने एंट्री तो की है कि चेक मिला, तो फिर ये पासबुक में पैसा बाद में आना चाहिए था। अगर बाद में भी वो एंट्री नहीं दिख रही है, मतलब दैट ऑडिटर विल कम टू नो कि आपने कुछ फ्रॉड किया। ओके, सो ये चैप्टर को और अच्छे से हम समझेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू व्यू इट बिकॉज इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन बीआरएस यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रांजैक्शन। एक बार आपने पढ़ के वो समझ लिया फिर बीआरएस में कुछ भी नहीं है। ओके, सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सी यू ऑल सून।